स्टॉक सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। शॉप का नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो मैं बता दे रहा हूँ, आईफोन वर्ल्ड। मगर यहाँ पे सिर्फ आईफोन नहीं मिलता है, एंड्रॉइड भी मिलता है, ठीक है। बाय सेल एक्सचेंज सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। आईफोन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे को सारा मॉडल दिख रहा है, यहाँ तक कि 15 प्रो वगैरह, 15 प्रो मैक्स सब कुछ है, 14 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 12, 11 जो भी चाहिए सारा मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर देखिए एंड्रॉइड में भी फ्लैगशिप का काफी सारा मॉडल है, सैमसंग में, वन प्लस में, IQ भी दिख रहा है, ओप्पो भी दिख रहा है। क्या कुछ होने वाला है, अभी बहुत सारा फूर है, सब कुछ अभी आप लोगों को पता चलने वाला है, बस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम कितना रुपए में फूर मिलने वाला है। अभी प्रदीप अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, लोग को चाहिए सस्ते में फूर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ज्यादा महंगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है लोग वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो नहीं जान रहे तो उनको ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि महंगा फूर मिलेगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज आपको भाई आप लोगों को लेकर क्या आ चुका है, बिल्कुल नई जगह पे। मतलब अभी तक मैंने यहाँ की वीडियो नहीं बनाई है तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। आप लोगों ने अगर यहाँ विजिट नहीं किया तो आप लोगों के लिए भी नया शॉप होने वाला है, ठीक है। स्टॉक सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। शॉप का नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, नहीं पता चला तो मैं बता दे रहा हूँ, आईफोन वर्ल्ड। मगर यहाँ पे सिर्फ आईफोन नहीं मिलता है, एंड्रॉइड भी मिलता है, ठीक है। बाय सेल एक्सचेंज सारा फैसिलिटी यहाँ पे मिल रहा है। एंड्रॉइड चाहिए या फिर आप लोगों को एप्पल चाहिए या एसेसरीज चाहिए, सब कुछ मिलने वाला है। आईफोन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे को सारा मॉडल दिख रहा है, यहाँ तक कि 15 प्रो वगैरह, 15 प्रो मैक्स सब कुछ है, 14 प्रो, 13 प्रो मैक्स, 12, 11 जो भी चाहिए सारा मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर देखिए एंड्रॉइड में भी फ्लैगशिप का काफी सारा मॉडल है, सैमसंग में, वन प्लस में, IQ भी दिख रहा है, ओप्पो भी दिख रहा है। क्या कुछ होने वाला है, अभी बहुत सारा फूर है, सब कुछ अभी आप लोगों को पता चलने वाला है, बस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम कितना रुपए में फूर मिलने वाला है। अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। और दीपक भाई फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, लोग को चाहिए सस्ते में फूर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। ज्यादा महंगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है लोग वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो नहीं जान रहे तो उनको ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि महंगा फूर मिलेगा? नहीं, मिल जाएगा, सस्ते में देंगे ना, मिल जाएगा। और जितना भी फोन है वो सबका बजट अच्छा रहेगा ना? बजट में रहेगा, बजट में रहेगा। तो क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ अभी पता चलेगा। सील पैक भी मेरे को दिख रहा है, इधर भी बहुत सारा फोन दिख रहा है, फोन की कमी नहीं होने वाली है। देखना ये है कि प्राइस क्या होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए सबसे पहले एड्रेस में क्लियर करता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एड्रेस में आप लोग क्लियर कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, स्टेशन से पहले बुद्धा स्मृति पार्क पड़ता है, ये बुद्धा स्मृति पार्क है। उस तरफ जो मेट्रो का काम चल रहा है उसी के जस्ट अपोजिट में आप लोगों को ये बिल्डिंग मिलने वाला है, महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, V2 के नाम से लोग जानते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को आ जाना है सीधा, यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल सीधे चले आना है। ये देखिए यहाँ से आप लोग बिल्कुल सीधा आएंगे और यहाँ से पहला वाला राइट टर्न आएगा, आप लोगों को राइट टर्न ले लेना है। यहाँ पे देखिए ब्लैकबेरी का, नेमरो का, मुफ्ती का शोरूम दिख रहा होगा, यहीं से आप लोगों को आगे बढ़ते चलना है। बहुत सिंपल लोकेशन है, ज्यादा कुछ आप लोगों को टेंशन लेने का बात नहीं है, लोकेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना तो फिर से एक राइट टर्न आएगा और यहाँ से बिल्कुल सीधा जैसे बढ़ेंगे आपको सामने ही बोर्ड दिख गया होगा आईफोन वर्ल्ड का। तो ये देख लीजिए, ये रहा शॉप, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा, शॉप पे जबरदस्त भीड़ हुआ हुआ है, तो आप लोग क्या वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से आओ, बहुत जबरदस्त प्राइस होगा। चलिए देखते हैं कितना जबरदस्त डील होने वाला है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग आज आप लोगों को बिल्कुल नए शॉप पे लेकर के आ चुका हूं, आईफोन वर्ल्ड। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आईफोन वर्ल्ड में जाइए जाइए, तो लीजिए आ गया ना आप लोग के लिए जबरदस्त स्टॉक लेकर के। तो लीजिए यहाँ पे स्टॉक की कमी नहीं होने वाली है, बजट आपका जितना भी हो, किसी भी टाइप का बजट हो, सब बजट में यहाँ पे फोन मेरे को दिख रहा है। और भैया कितना सस्ता फोन मिल रहा है, मिनिमम कितना रुपए लेकर के एंड्रॉइड लेकर के जाएंगे बताइए? 4000 तक में आइएगा तो एंड्रॉइड फोन मिल जाएगा। अच्छा देखिए 4000 रुपए, 3000 रुपए लोग बोलते हैं, ठीक है, मिलेगा? और फोन कैसा रहेगा ये बताइए, फोन का कंडीशन आप देख सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा लेकर के गए 2-3 महीना के बाद नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ, जबरदस्त फोन मिलेगा, जबरदस्त फोन मिलेगा, ये पक्का श्योरिटी देना था आप लोगों को, भाई लोग मैंने दे दिया, ठीक है। ये कौन सा फोन दिखा रहे हैं? रेडमी का A2 है।
A2 ये कितने में? ये अभी आपको 3500 में हो जाएगा। 3500 में इतने बड़े स्क्रीन के, अरे भाई स्क्रीन का साइज कितना बड़ा है। ये देखिए, ये आप लोगों को मिल रहा है 3500 रुपए में 4G है ना। कितना स्टोरेज रहेगा? 32 रहेगा। 32 के हिसाब से भाई बढ़िया है। देख लीजिए आप लोग, आइए आप लोग आकर के लेकर के जाइए। ये तो स्टार्टिंग प्राइस था ना। अच्छा ये बताइए कि मार्केट बीट होने वाला है कि नहीं, महाराजा बीट होने वाला है कि नहीं प्राइस के मामले में? बीट हो जाएगा, सस्ते में फोन मिलेगा, सस्ते में फोन मिल जाएगा। अच्छा यहाँ से फोन लेकर के अगर कोई भी बंदा जा रहा है तो फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ से फोन बंदा ले जा रहा है तो पहली बात तो 7 डेज टेस्टिंग वारंटी मिलेगा, 3 मंथ सर्विस वारंटी मिलेगा। 7 डेज टेस्टिंग वारंटी में रहता है, कोई भी फोन में दिक्कत आए तो छोटा मोटा दिक्कत आएगा तो सॉल्व कर मिल जाएगा जी। और ज्यादा वाला प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा सा चेंज कर फोन मिल जाएगा, फोन बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे ना, रिप्लेस हो जाएगा। और भी वारंटी में फोन रहेगा तो उसका तो सर्विस सेंटर से वारंटी रहेगी जी जी जी, वारंटी भी रहेगी। और यहाँ पे बहुत सारा फोन है, पहले क्या दिखाया जाए, आईफोन दिखाया जाए कि एंड्रॉइड दिखाया जाए? एंड्रॉइड दिखाते हैं तो भैया दिखाया जाए, क्योंकि एंड्रॉइड का रेंज आपके पास बहुत सारा है। अंडर बजट में भी है, मिड बजट में भी है और हाई बजट में भी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे लो बजट से, यहाँ से स्टार्ट कीजिए भैया। लो बजट में क्या क्या होने वाला है इस तरफ? लो बजट में तो फिलहाल में भी 6000 से स्टार्टिंग है जी, 464 है ये देख लीजिए। फिर 7000 की रेंज में भी है, 7000 की रेंज में वीवो का ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा, ये भी देख सकते हैं। फिर ओप्पो का K10 भी है, K10 भी चलेगा आपको। स्टोरेज इसका 6128 हो जाएगा, 6128 ठीक है। फिर रियलमी में भी है फोन, रियलमी का भी आपको 10000 तक में आएगा, ये 6128 हो जाएगा ये फोन, 6128 10000 तक में। और ये है 5G फोन, चाहिए तो 5G फोन भी मिल जाएगा, 10000 से स्टार्टिंग है। 10000 में 5G मिल जाएगा, 6GB रैम, 128GB इंटरनल रहेगा, 4GB भी रह सकता है जी, 4GB 64GB रह सकता है। सैमसंग में भी है, सैमसंग का A14 है। मतलब यहाँ पे आपके पास रेंज हमेशा ही रहता है ना इतना, मतलब जो भी मॉडल चाहेंगे वो मॉडल मिल जाएगा है ना, समथिंग है ठीक है। बहुत अच्छा फोन लेकर के आना है तो मिनिमम कितना रुपए लेकर के आए? 10000 रुपए या उससे कम भी, 12000 के आसपास में आएगा तो 5G फोन मिल जाएगी। 6000-7000 लेके आएंगे तो 6000-7000 लेके आएंगे तो 4G फोन मिलेगा, लेकिन अच्छे कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है, क्या बात है। और ये सब कौन कौन सा फोन होने वाला? 5G फोन है, रियलमी का 9 प्रो है जी, 6128 ए भी 5G फोन है, लीजिएगा तो 10000 रुपए में हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन जबरदस्त, कंडीशन देख सकते हैं ठीक है। फिर इससे भी ऊपर जाइएगा तो और भी फोन है बहुत सारा, ठीक है। वीवो का Y100 आ जाएगा, 15-16 हजार के रेंज में आ जाएगा। फिर और भी मॉडल है, रियलमी का 10 प्रो है, ये सब का स्टोरेज क्या रहेगा? स्टोरेज 6128 रहेगा, इसमें आपको 14000 तक में आ जाएगा, 6128 रहेगा। इसमें कंपनी वारंटी भी बचा हुआ, कंपनी वारंटी बची हुई रहेगी आपकी। अच्छा इतना महाराजा में शॉप है, आप ही के पास क्यों आ जाए, कुछ अलग वारंटी में सेट रहेगा, सस्ते में सेट रहेगा तो क्यों नहीं आ पाइएगा? हाँ ये बात है, वारंटी में रहेगा, सस्ते में रहेगा, यही फोन अभी कंपनी से लेने के लिए जाएंगे, मतलब शोरूम से लेने के लिए जाएंगे, आइएगा तो 24000 रुपए का ऑनलाइन, 24000 रुपए का प्राइस है ठीक है, ऑनलाइन प्राइस। आप कितने में दे देंगे? हम लोग यहाँ 15,500 रुपए में, 15,500, 24,000 का फोन, 15,000 में प्लस कंपनी वारंटी भी आ रहा है, तो और क्या चाहिए आपको जी? प्लस कंपनी वारंटी भी बचा हुआ, क्या बात है। और क्या चाहिए फिर, और क्या दिखाएंगे? लेटेस्ट में अभी नार्जो का जो आया है 60, वो भी मिल जाएगी अवेलेबल है, 2 महीना पुराना है, आएंगे तो 13,500 तक में हो जाएगा, 13,500 में ठीक है। ये सब वीवो में भी 5G हो जाएगा जी, ये भी देख सकते हैं, 22,000 का सेट आता है, ये 12,500 रुपए तक में हो जाएगा, 2,275 है। और क्या होने वाला है? और भी इससे ऊपर बजट में जाइएगा एंड्रॉइड में, IQ लेना है, रीनो 7 प्रो लेना है, वो सब भी मिल जाएगा, IQ9 लेजेंड है, ये भी मिल जाएगा, गेमिंग फोन हो गया, 888 प्रोसेसर हो गया, ये जी लेने जाइएगा तो 26,500 में हो जाएगा, कंपनी वारंटी के साथ जनवरी तक ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरे को फोन दिख रहा है, रियलमी पोको का, ये सब कितने में आएगा? आ जाएगा फोन कितने तक में? ये सब 8,000-9,000 65, ये सब 64GB वाला होगा ना, 64 है, 6128 भी सब मिक्स ब्रांड में है ठीक है। और ये वाला जो है सैमसंग A13 है, ये 4464 है, ये लेने जाएगा, ब्रांड न्यू पीस रहेगा, 6500 तक में हो जाएगा, 6500 पीस रहेगा। और 6128 में A23 जो है, 6128 में A23 है जो 11000 पे हो जाएगा, 22000 का ऑनलाइन प्राइस है इसकी ठीक है। और यहाँ पे और भी बहुत सारा फोन है, ये सब जो हो गया थोड़ा प्रीमियम वाला दिख रहा है, में हो गया फिर अच्छा, आपका यहाँ पे फोन अच्छा ठीक है। ये कौन सा फोन? ये कर्व डिस्प्ले में रेनो 5 प्रो हो गया आपका, ओहो देख सकते हैं,
बड़ा जबरदस्त लुक दिख रहा है इसका, 8128 में। हाँ 8128 में। कितने में आएगा ये? आपको 17,500 रुपये में हो जाएगा। ठीक है। फिर रेनो 7 प्रो भी है मेरे पास, रेनो 7 प्रो भी लीजिएगा तो ये भी मिल जाएगा, कंडीशन देख सकते हैं, ये लीजिएगा तो 19,500 रुपये में हो जाएगा जी। फिर रेनो 8 भी है, सब मॉडल आपको मिल जाएगा, रेनो 8 भी मिल जाएगा तो 18,500 तक आ जाएगा। ठीक है। फिर एक रेनो 80 है मेरे पास जो दो पीस है ना। हाँ दो पीस है पर लेकिन एक 1 month होल्ड है जी। ये लीजिएगा तो 21,000 में हो जाएगा। और एक कम का है मेरे पास, ये जो है थोड़ा सा पावर आइटम काम नहीं करता है, बट सर्विस सेंटर से चेंज हो जाएगा लेकिन कंपनी वारंटी में है, ये लीजिएगा तो आपको 16,500 में हो जाएगा। कर्व डिस्प्ले, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहेगा इसको चेंज कराने का? ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। ठीक है। कंपनी वारंटी में भी है जी, कंपनी वारंटी में ले सकते हैं। रेनो 10 भी है, ये भी वारंटी में, ये लीजिएगा तो आपको 26,000 रुपये में हो जाएगा, मात्र 1.5 महीना चला हुआ है। 1.5 महीना हाँ। चला हुआ 26,000 रुपये में, और 8 to 56 GB होने वाला है, 8256। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा फोन है, और ये बताइए भैया कि डिस्काउंट करेंगे ना? हाँ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं ना जो बोल दिया लकीर बन गया? नहीं वो लकीर नहीं बनता है, जो बहुत डिस्काउंट भी हो जाता है, जो हो पाएगा आपसे वो आप कर देंगे, जो हो पाएगा वो कर देंगे, मतलब निराश नहीं जाने देंगे, निराश नहीं होगा। अगर कोई भी बंदा वीडियो देख करके आता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा ना, बेशक मिलेगा। भाई लोग ये नहीं बोल रहा हूँ कि धनतेरस और दिवाली में, उसके बाद भी अगर आप लोग आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। आप 365 दिन, मतलब 2023-24 कभी भी आए, जब तक ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग आइए, मॉडल तो चेंज हो जाएगा मगर आपको डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं? हाँ। ठीक है। और इधर सैमसंग में आप आते हैं, सैमसंग का क्या क्या होने वाला है, उससे पहले वन प्लस देख लेते हैं, वन प्लस में जो है रेंज सब दिखा दीजिए भैया, क्या क्या होने वाला है? वन प्लस में मेरे पास नोट 2 भी है 12256 जी, ये परचेज कीजिएगा तो आपको 20,000 रुपये में हो जाएगा। 20,000 रुपये में? कंडीशन भी देख सकते हैं। नहीं कंडीशन तो लोग को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भाई लोग जितना भी फोन अभी दिख रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा हर फोन, जैसे पुराना मॉडल हो चुका है तो वो सब कवर की वजह से थोड़ा दाग आ जाता है, मगर ये सब जितना फोन है ना वो सब का कंडीशन मतलब यही लग रहा है कि बस अभी 5 मिनट पहले सील खुला है वैसा। ठीक है। और दिखाइए क्या क्या दिखाने वाले वन प्लस में? वन प्लस में 9R भी है, मोस्ट डिमांडिंग फोन है ये जी, 888 प्रोसेसर इसमें भी है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फोन है, ये भी फोन मिल जाएगा 12256 में। ये लेने जाइएगा तो आपको कहीं और जाइएगा तो 27 से कम में नहीं देगा, लेकिन मेरे यहाँ अगर आइएगा तो 24,500 में हो जाएगा। ठीक है। ये 27 आप बता रहे हैं सेकंड हैंड मार्केट का प्राइस, और आप 24 में दे रहे हैं, तो वैसे वैसे और भी फोन दिखाइए इसमें से। फोन है मेरे पास 10R है, मात्र 4 दिन पुराना है जी, वन प्लस 10R है, 12256 है, 4 दिन पुराना है, ये लीजिएगा आपको 25 में हो जाएगा। ऑनलाइन प्राइस जाइएगा तो 37 के आसपास है। क्या बात है, मात्र 4 दिन पुराना है, सिर्फ 4 दिन पुराना, मतलब नया ही कह सकते हैं, 4 दिन कितना ही हुआ। ये सब कौन कौन सा फोन है? सब वन प्लस 9R T है, 9R इसी का सेम मॉडल है। प्राइस क्या रहेगा लगभग? प्राइस ऑटो वारंटी वाला लेने जाएगा कोई, कंडीशन देख लीजिए, ये लेने जाएगा तो 19,000 रुपये में हो जाएगा। और वारंटी आउट ऑफ वारंटी में भी आपके पास? हाँ, है वारंटी में भी है ना, ये 4 दिन पुराना। अच्छा, ये ऑटो वारंटी है, ये 4 दिन पुराना। ठीक है। और ये क्या होने वाला है? 8 भी है जी, 8 भी ले सकता है, 20,000 रुपये में हो जाएगा, कर्व डिस्प्ले का फोन है। स्टोरेज क्या रहेगा? 256 GB रहेगा, 8128। ठीक है। और जस्ट बगल में देख लीजिए आप लोग Note 2 भी मिल जाएगा 8128 से, जो की कंडीशन देख सकते हैं, चमक रहा है। कितने में आएगा ये भी? आपको 17,500 रुपये में हो जाएगा, 8128 में ना, 8128। ठीक है। फिर 9R आ गया जी, 9R है, 12256 है ये जी, ये भी आपको हो जाएगा 23,000 रुपये में, कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत फ्रेश पीस है। ठीक है। वन प्लस नॉट सी 2 भी है, ये भी देख सकते हैं, ये लीजिएगा तो 15,500 रुपये में हो जाएगा, 8 GB रैम वाला है, 8128। ठीक है। फिर वन प्लस 10 प्रो है जी, 10 प्रो, वन प्लस 10 प्रो भी ले सकते हैं, ये लीजिएगा तो आपको 36 में हो जाएगा, 8128 वाला, कंडीशन आप देख सकते हैं। ये आपकी तरफ से वारंटी आ रहा है इस पे? वारंटी हम लोग की तरफ से रहेगा इस पे, जो कंपनी वारंटी में रहेगा वो बता दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल जो काम है जेन्युइन, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत फोन में पार्ट्स चेंज है या कुछ भी? कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा, रहेगा भी तो बता कर दिया जाएगा। अच्छा,
जो है सब कुछ कंप्लीट करके, है ना, कंप्लीट कर मिलेगा। मतलब ये सिस्टम नहीं होने वाला है कि दे दिया, ये नहीं, जो बोला जाएगा बोल करके। हाँ, और आप लोगों को भाई हमेशा अच्छे ही कंडीशन में फोन दिया जाएगा, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि पूछ लीजिए ना। हाँ। है कि नहीं, पूछ लीजिए पहले कैसा फोन होने वाला है। फोन बहुत बढ़िया मिलेगा, अगर जो भी कुछ 1% का भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो बता दिया जाएगा फोन में। वैसे रहता नहीं, वैसे रहता नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वीवो में देखिए कुछ फ्लैगशिप फोन भी है, ये X90 है क्या? X90 Pro है ये, X90 Pro है, अभी 10 दिन पुराना है मात्र। अच्छा, 12256 वाला है, 12256 10 दिन पुराना फोन कितने में दे रहे हैं ये बताइए। ये लीजिएगा तो 60,000 में हो जाएगा, 60,000 रुपए में। और देख लीजिए ना कुछ हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सैमसंग में भी काफी सारा रेंज दिख रहा है, अल्ट्रा भी आपको मिल जाएगा। हाँ। सैमसंग में यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कौन कौन सा होने वाला है? ये 53 है, A53 है जी, ये न्यू का प्राइस आता है 32,000 रुपए में, ऐसे लीजिएगा, वारंटी में ही है, लीजिएगा तो 17,500 रुपए में हो जाएगा, 17,500 में। वीवो सैमसंग का A73 भी है जी, ये ऑटो वारंटी है, लेकिन ये लीजिएगा तो ये भी आपको 20,000 तक आ जाएगा, 42,000 का नया आता है, ठीक है। ये सैमसंग का छोटा मॉडल है, सैमसंग A33 है, 6128 से ये लीजिएगा तो 13,500 रुपये में हो जाएगा, 13,500, ठीक है। अब ये वाला और सैमसंग का फिर S20 FE है, 5G वाला जी, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी बहुत डिमांड में रहता है, S20 FE 5G वाला, 4G वाला ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन 5G वाला है, 17,500 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। प्राइस आप बेस्ट बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं कमेंट आएगा कि महंगा फ़ोन मिल रहा है? नहीं, कमेंट नहीं आएगा कि महंगा फ़ोन मिल रहा है, और जो बोल रहे हैं महंगा एक बार आइए, सस्ता कर दिया जाएगा ना, तो थोड़ा बहुत तो कम होता ही है, ऐसा नहीं नेगोशिएबल नहीं होता जी, नेगोशिएबल है, ठीक है। ये देख लीजिए कितना जबरदस्त दिख रहा है, S21 Plus है ये जी, कितने में आ जाएगा? S21 Plus आपको 32 में हो जाएगा, 12256 वाला है, 8256 वाला है, ठीक है। S22 भी है, 8256 वाला है, ये 8256 वाला है, ठीक है। कितने में आ जाएगा ये आपको? 36 में हो जाएगा, 36 में। फिर S23 भी है मेरे पास जी, ये भी 8256 है, ये लीजिएगा तो 48 तक आ जाएगा, वारंटी में, कंपनी वारंटी अभी 5 महीना बचा हुआ है। कितने में आ जाएगा ये? 48 में आ जाएगा, 48 में, ठीक है। फिर सैमसंग का Note 10 देखिए, Note 10 का भी कंडीशन कितना, मतलब काफी पहले का मॉडल है मगर कंडीशन दिख रहा है, क्या होने वाला है? कंडीशन अच्छा है जी, ये लीजिएगा, कर्व डिस्प्ले है जी, ये आपको 22,000 रुपए में हो जाएगा, 22,000 रुपए में, ठीक है। और देख लिया जाएगा जो बन पड़ेगा। यहाँ पे देखिए S23 Ultra 256GB वाला, 12256 है ना? हाँ। कितने में दे देंगे भैया? ऐसा प्राइस बताइएगा लोग ले लें, 80,000 रुपए में हो जाएगा, प्लस आपका 2 महीना सिर्फ यूज है, 2 महीना सिर्फ यूज है, आप उसको 80 में दे रहे हैं। हाँ, तो ये बेस्ट प्राइस हो गया, अच्छा प्राइस हो गया, और जो बन पड़ेगा कर दिया जाएगा। और ये वाला Pixel 7 Pro है जी, 3 से 4 महीना यूज है, ये लीजिएगा तो 52,000 रुपए तक आ जाएगा। देखिए 7 Pro का आप लोग डिमांड कर रहे थे भाई, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आइए। फिर S22 भी एक और है मेरे पास। अच्छा, S22 है, सिर्फ मेरे पास ओपन बॉक्स है। अच्छा, समझ लीजिए कि सील खाली खुल गया है, इसका है, यूजिंग भी नहीं किया हुआ, ये लीजिएगा तो 36 तक हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मतलब अभी ये यूज नहीं है, यूज नहीं है, है ना, ठीक है। ये देख सकते हैं पन्नी भी कोई नहीं हो जा रहा है, क्या बात है, 36 में दे रहे हैं, चलिए ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को Flip 5 चाहिए तो वो भी मिल जाने वाला है। 5 भी ओपन, कितने दिन का यूज होगा? 10 से 15 दिन का यूज है, 10 से 15 दिन का यूज है। कितने में दे देंगे ये आपको? 70,000 में हो जाएगा, 70,000 में, ठीक है, 70,000 में मिल रहा है, और जो बन पड़ेगा देख लिया जाएगा। देखिए, और स्टोरेज क्या रहेगा इसका? स्टोरेज 8128 रहेगा, 8128 वाला। और सील पैक में भी किसी को कोई भी चाहिए ना फोन, यहाँ पे सारा सील पैक में भी बॉक्स रखा हुआ है। और अब आते हैं आईफोन में, कि आईफोन में क्या रेंज होने वाला है। इधर भी बहुत सारा फोन है जो कि आपको अंडर बजट में मिल जाएगा, मगर अब देखते हैं कि आईफोन का क्या बजट होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए आईफोन में भी काफी सारा रेंज दिख रहा है, जो मॉडल चाहिए आईफोन में सारा अवेलेबल है, सब मिल जाएगा, 13 Pro Max, 14 Pro Max, तो बहुत Pro Max सब तो मिल जाएगा। बहुत ऊंचा चला गया भैया, सस्ता में दिखाइए। सस्ता में आईफोन 7 मिल जाएगा आपको, इधर देख सकते हैं iPhone 7 से स्टार्ट, iPhone 7 से। बता दीजिए 32GB 128GB का क्या प्राइस रखे? iPhone 7 स्टार्टिंग हम लोग के पास से 8,000 रुपए से, 8,000 रुपए में iPhone 7 32GB दे रहे हैं। इसी का ऊपर का वेरिएंट लीजिएगा 128 तो 9,000 रुपए में हो जाएगा, 9,000 रुपए में, ठीक है। 7 प्लस का क्या आएगा? 7 प्लस आपको 128GB मिल जाएगा जी, 128GB 13,000 रुपए तक आ जाएगा, 13,000 रुपए में। कंडीशन आप देख सकते हैं, फ्रेश है, ठीक है।
और आईफोन 8 है अवेलेबल? आईफोन 8 भी मिल जाएगा आपको जी। आईफोन 8 का क्या होगा? 8 आपको 12,000 रुपए तक आ जाएगा, एकदम ब्रांड न्यू पीस रहेगा। 64GB? हाँ 64GB पीस देख लीजिए, एकदम ब्रांड न्यू रहेगा। नहीं पीस तो आपका सारा ब्रांड न्यू है, मगर जो बन पड़ेगा उसमें मतलब ये वैसे तो प्राइस जबरदस्त ही है, मगर लोग का क्या रहता है ना, जो प्राइस बता रहे हैं आप उसमें भी आकर के कम करवाएंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन चार्जर भी देना रहता है सब कुछ। अच्छा हाँ चार्जर से याद आया, मतलब एंड्रॉइड में फोन जितना दिख रहा है उस सबके साथ चार्जर मिलेगा? हाँ, सबके साथ मिलेगा चार्जर। और एंड्रॉइड के साथ? एंड्रॉइड के साथ भी मिलेगा, आईफोन के साथ भी। मतलब आईफोन के साथ चार्जर मिलेगा ना? आईफोन के साथ भी मिलेगा, आईफोन एंड्रॉइड दोनों के साथ मिलेगा। बड़े मॉडल में 20 वाट का चार्जर देंगे कि नहीं? बड़े मॉडल्स में 20 वाट का तो नहीं, 5 वाट का चार्जर मिल जाता है हम लोग के। अगर 5 वाट का चार्जर तो नहीं, अच्छा परचेस करना पड़ेगा अलग से? परचेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है भाई लोग, परचेज आप लोग कर लीजिएगा। और वैसे ऑफर है तो चार्जर दे ही दीजिए, ऑफर होगा तो मिल ही जाएगा है ना। चलिए देख लिया जाएगा जो बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा। और आईफोन 8 प्लस दिखा दीजिए। 8 प्लस देख लीजिए क्या होने वाला है। 8 प्लस का प्राइस आपको 15,000 रुपए आएगा, मैं ब्रांड न्यू पीस है ये पीस। 15,000 रुपए में 64GB ठीक है। ये ऐसी 2020 है, 128GB वाला है, ये लीजिएगा तो 15,000 तक आ जाएगा ठीक है। फिर आईफोन एक्सेस भी है मेरे पास, ये 20,000 तक आ जाएगा। आईफोन एक्सेस 64GB है, 20,000 तक। फिर 256GB में चाहिए, 256GB में किसी को मिल जाएगा, ये लेगा तो कोई आपको 23,500 तक हो जाएगा। एक्सेस मैक्स, एक्सेस मैक्स भी है, 256GB है, पैटियल थोड़ा कम है, लेकिन आप लीजिएगा तो 25 तक हो जाएगा, 25,000 में। हाँ और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 11, 12 का भी काफी सारा रेंज दिख रहा है। 11 128GB, 256GB का रेंज क्या बता दिए? रेंज 11 स्टार्टिंग हम लोग के पास 20,000 से है, जो कि देख सकते हैं। अच्छा 20,000 रुपए से आईफोन 11 स्टार्टिंग है। बैटरी हेल्थ सबसे बढ़िया चाहिए मेरे को, मेरे को बैटरी हेल्थ 95+ चाहिए, 128GB वाला। कितने में दे देंगे? 95+ चाहिए 128 में तो 24 तक आपको मिल जाएगा। और 85+ चाहिए तो? 85+ चाहिए तो 22 तक मिल जाएगा आपको। और 64GB में? 64GB में तो 20,000 से स्टार्टिंग, 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा। भाई लोग 11 में देखिए, 11 में कोई भी कलर चाहिए, इधर रेड भी है, आपको रेड अगर चाहिए, ब्लैक चाहिए, या तो फिर ग्रीन चाहिए, पर्पल चाहिए, कोई भी कलर चाहिए, सारा व्हाइट चाहिए, हर कलर में 11 यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस पता चल गया। अब आते हैं 11 Pro, 11 Pro Max पे। 11 Pro Max भी ले सकते हैं आप, 35 से स्टार्टिंग है मेरे पास, और प्लस ये आपको 256GB मिल जाएगा और 64GB मिल जाएगा, कंडीशन दोनों का देख सकते हैं। नहीं कंडीशन तो जबरदस्त है सब फोन का, कंडीशन तो जबरदस्त दिख रहा है भैया, और कम कर देंगे ना? हाँ हो जाएगा ठीक है। 11 Pro, 11 Pro भी है मेरे पास, 30,000 से स्टार्टिंग है उसका, 30,000 रुपए, 64GB का। बैटरी हेल्थ लगभग क्या रहेगा? बैटरी हेल्थ 82-85 जी रहेगा ठीक है। 256GB मिल जाएगा, 256GB में क्या रहेगा? 12 mini कितना कम? ये आपको 22,000 रुपए में हो जाएगा। कैसे? कोई दिक्कत नहीं? बैटरी थोड़ा सा कम है, 81 है। हाँ चल जाएगा, 81 भी चलेगा, चल जाएगा। और बाकी है थोड़ा सा 24,000-25,000 हर रेंज का, हर रेंज का मिल जाएगा। और 12 128GB का क्या प्राइस पड़ रहा है आपके पास? 128GB मेरे स्टार्टिंग 30,000 से है। कलर जो चाहेंगे सारा मिलेगा ना? कलर आपको ब्लैक मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा जी, ब्लू मिल जाएगा। और इसी में अगर 64GB चाहिए तो? 64GB भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा आपको 30,000 तक। बैटरी हेल्थ थोड़ा ज्यादा रहेगा इसमें, बैटरी हेल्थ ज्यादा रहेगा, 30,000 में दे देंगे। 30,000 कितना रहेगा बैटरी? बैटरी हेल्थ आपको 87-90 के आसपास अप्रोक्स। 30,000 रुपए में तो बढ़िया प्राइस होगा। कलर जो भी चाहिए आप लोगों को मैंने बता दिया, सारा कलर मिलेगा, रेड कलर भी मिल जाएगा जी। रेड कलर चाहिए किसी को, बहुत डिमांड करता है, रेड वो भी मिल जाएगा ठीक है। अब प्रो प्रो मैक्स का क्या प्राइस रखे? 13 Pro Max भी मिल, नहीं 12 Pro, 12 Pro Max 12 Pro रहेगा आपका, 128GB रहेगा, 45 तक हो जाएगा ठीक है। कंडीशन देख सकते हैं 45 तक। एक मेरे पास 12 Pro Max है जो कि कम का है, बैक पैनल चेंज है और कोई दिक्कत नहीं, मतलब बैक पैनल चेंज में ऐसा कभी कभी होता है ना कि वो नहीं आता है, सिम नहीं आता है, मतलब नेटवर्क का इशू होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क का इशू कुछ नहीं, बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन, जबरदस्त कंडीशन है, कंडीशन भी देख सकते हैं। ये लीजिएगा तो आपको 12 Pro
प्राइस में मिल जाएगा। कितना प्राइस? डील प्राइस क्या? डील प्राइस 44,000 में हो जाएगा, 12 प्रो मैक्स। 44,000 में आप लोगों को 12 प्रो मैक्स मिल रहा है, 128 GB, 89% बैटरी हेल्थ के साथ। तो आकर के ले लीजिए भाई लोग, क्या बात है। 13 का क्या होने वाला है? 13 यहाँ पे मेरे को काफी सारा दिख रहा है, 3 पीस 13 दिख रहा है, ठीक है। कितने में दे देंगे? स्टार्टिंग 38,000 से। 38,000 से कम का भी आता है, कम का भी मिल जाएगा। एक जैसे ये कम का है मेरे पास। कितना कम होगा? 36 में हो जाएगा। 36 में, ठीक है। बैटरी हेल्थ लगभग क्या रहेगा ये सबका? कंडीशन तो जबरदस्त है, 87-88 रहेगा। अच्छा, यही आएगा, इससे ज्यादा ही मिल सकता है, वारंटी वाला भी मिल सकता है, ठीक है। और ये देख लीजिए 14+ ब्लैक कलर में, मार्च तक वारंटी में है। 99% आपका बैटरी हेल्थ है इसका, 99% बैटरी हेल्थ है, बैटरी हेल्थ है जी। लेने जाइएगा, 99% बैटरी हेल्थ है, मात्र 1% बैटरी हेल्थ का मान लीजिएगा तो आपको 54 तक हो जाएगा, 128 GB। 54 में दे रहे हैं, क्या बात है। मार्च तक वारंटी में भी, और मार्च तक प्लस वारंटी भी बाकी है, सही है तब। और यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लोगों ने 14 दिखाया, 14 प्लस दिखाया, यहाँ पे पहले 13 प्रो। ये टूटा हुआ है इसका बैक पैनल, कितना सस्ता दे रहे हैं? 512 GB। 13 प्रो है, 512 GB है डील प्राइस है, 512 GB है, 83% बैटरी हेल्थ है, सिर्फ 60,000 रुपए में हो जाएगा। 60,000 रुपए में 13 प्रो, क्या बात है। 512 GB है, वही 512 GB, उसी में बिल्कुल फ्रेश चाहिए मेरे को। 128 GB दिख रहा है, 28 रहेगा, 62,000 का आएगा, 62,000 का आएगा, बैटरी हेल्थ 87% दिख रहा है, कंडीशन जबरदस्त, ब्रांड न्यू। और ये वाला भी भाई है क्या? हाँ, ये भी सेमी है, ठीक है। मैक्स का क्या पड़ेगा? 13 प्रो मैक्स मेरा 70,000 से स्टार्ट है, 128 GB। 70,000 से स्टार्ट है, 128 GB, दोनों सेम ही है, 128 GB है, 256 GB भी है। अच्छा, 256 का क्या पड़ेगा? 256 GB 75 तक आ जाएगा, 75 तक बढ़िया कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को चाहिए 14 प्रो, ये भी मिल जाने वाला है। 14 प्रो क्या होने वाला है? 14 प्रो ये 10 से 15 दिन पुराना है, 10 से 15 ही दिन पुराना है, 15 दिन पुराना है। सिर्फ ओपन बॉक्स से कोई लेगा तो 98 तक हो जाएगा, 98 तक, 256 GB, 256 GB, 10 दिन पुराना ले लीजिए। और 15 वाला मॉडल रखे हुए हैं कि नहीं? 15 प्रो मिल जाएगा, 15 में चाहिए तो 15 प्रो भी मिल जाएगा। देख लीजिए भाई लोग, किसी को भी चाहिए, ये यूज हुआ है कि नहीं? एक्टिवेटेड है? एक्टिवेटेड भी नहीं है, मतलब अभी सिम भी नहीं लगा है, सिम भी नहीं लगा अभी, सिर्फ ओपन बॉक्स है, सिर्फ ओपन बॉक्स है। कितने में दे रहे हैं भैया ओपन बॉक्स वाला? 125 में हो जाएगा, 125 में दे रहे हैं, क्या बात है, और कम होता जा रहा है। 128 GB वाला है, 128 GB वाला आपको 25 में मिल रहा है, टाइटेनियम बॉडी के साथ, 15 प्रो, क्या बात है। मैक्स वगैरह चाहिए तो मिल जाएगा ना? मैक्स भी मिल जाएगा, मैक्स वगैरह मिल जाएगा। और सील पैक में कोई भी मॉडल आप लोगों को चाहिए, देखिए मिल जाएगा। ये देखिए 15 ग्रीन कलर में रखा हुआ है, यहाँ पे वो चाहिए आप लोगों को, सील पैक है तो ये दिखा नहीं सकते अंदर से। और यहाँ पे देखिए 14 चाहिए, 14 प्लस चाहिए, सब मिल जाएगा। मार्केट से कितना डिस्काउंट, मार्केट से कितना डिस्काउंट होगा? मार्केट से तो डिस्काउंट पे मिल जाएगा, पर लेकिन ऑनलाइन प्राइस पे अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन सेल चल रहा है। अच्छा, लेकिन आई डेस्टिनी वगैरह हो गया कोई मार्केट में, उससे सस्ता मिल जाएगा, उससे सस्ता मिल जाएगा। और एंड्रॉइड में मिनिमम कितना सस्ता जाएगा सील पैक में? एंड्रॉइड में भी सील पैक में मेरे पास 9,500 से स्टार्टिंग है, 9,500 से स्टार्टिंग है, 9,500 से स्टार्टिंग है। ये फोन है, 4G सेट है, ठीक है, अच्छा सेट है। 9,500 से तो आपने बताया, ये आता कितने में? आता है आपका 10,500-11,000 का आता है, लेकिन 10,500-11,000। अच्छा भैया ये बताइए कि मार्केट से कोई भी फोन, जैसे ये ओप्पो का 10 प्रो है, ठीक है, ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G फोन, तो 10 प्रो मार्केट में क्या रहा है और आप कितने में दे रहे हैं? 40,000 रुपए का मार्केट में आता है, हम लोग यहाँ से लिएगा कोई 34,500 में हो जाएगा। क्या बात है, तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया। अच्छा भैया यहाँ से सिर्फ फोन लेकर के जाना कि गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, मिल जाएगा, गिफ्ट भी मिलेगा, KDM का है, वायरलेस रहता है, वो मिल जाएगा। अच्छा, ये नेक बैंड देने वाले हैं वायरलेस वाला, दिवाली धनतेरस पे या उसके बाद भी? उसके बाद भी दिया देंगे ना। तो भाई लोग जो बोल करके आएगा उसी को देना है कि वीडियो देख करके, है ना? तो भाई लोग कोई भी आप लोगों को फोन चाहिए, सारा फोन मिलने वाला, बहुत सारा फोन, एक बार कॉल कीजिए ना, एक दो फोन और देख लेते हैं, बड़ा मस्त दिख रहा है ये सब। कौन कौन सा होने वाला है? ये 14 है, रेनो 8 प्रो है, ये 23 है, वीवो का जो लेटेस्ट आया है V29e, वो भी। कितना प्राइस पड़ रहा है ये? आपको 1 month ओल्ड है, ये लीजिएगा तो 22,000 का। इतना छुपा के क्यों रखे हैं ये वाला फोन, इतना जबरदस्त है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला रखने का जी। तो भाई लोग देखिए, फोन यहाँ पे बहुत सारा है, एक बार कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, कोई भी फोन आप लोगों को इसमें से लेना है तो आप लोग एक बार कॉल कीजिए, सारा फोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए,
और कुछ बचा भैया या वीडियो को एंड किया जाए? अभी तो कुछ बचा नहीं है फिलहाल, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इससे भी जबरदस्त स्टॉक दिखाया जाएगा, तो एक बार आइए आगर के शॉप पे विजिट कीजिए, बहुत सस्ते में फोन लेकर के जाइए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आया होगा वहां भी फॉलो कर लीजिए आप लोग, इंस्टाग्राम पे आप लोग को एक से बढ़कर एक ऑफर मिलता रहता है। तो फिर मिलेंगे और जबरदस्त वीडियो के साथ। जो फोन देखना है, जो फोन यहाँ पे अवेलेबल, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, जो फोन अवेलेबल नहीं है ठीक है, फोन अवेलेबल करवा दिया जाएगा ठीक है। अच्छा फाइनेंस का कोई फैसिलिटी रखे हुए हैं कि नहीं? फाइनेंस का अभी सुविधा नहीं है मेरे पास। कैश ऑन डिलीवरी का कोई सुविधा है? मिल सकता है। मतलब कहाँ कैश ऑन डिलीवरी? कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया होगा? ऑल ओवर इंडिया नहीं, पटना तक में करवा, पटना में कैश ऑन डिलीवरी आप करवा देंगे? तो भाई पटना वाले जो भी है कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, बिहार रेंज में भी नहीं कराएंगे, सिर्फ पटना में कुरियर हो जाएगा, मतलब पे ऑन डिलीवरी हो जाएगा। तो ठीक है भाई लोग, जो फोन चाहिए, जो फोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी आप लोगों को कॉल करना है, मिल जाएगा। और जो फोन यहाँ पे अवेलेबल है और गलती से मिस हो गया तो कांटेक्ट नंबर तो दिया हुआ है ना, वहां से कांटेक्ट कर लीजिए, कर सकते हैं। तब तक के लिए भैया बाय कर दीजिए।